market. So our today's topic is advertising. The most commonly used tool of promotion, it is an impersonal form of communication which is paid by the marketers to promote goods and services. ये paid होता है. Advertising क्या है? Paid होता है. होता क्या है? ये promotional tool है. क्या है ये? Promotional tool है. Promotion के लिए कर रहे हैं आप अपने product के. किस चीज का promotion करेंगे? Product का promotion करेंगे आप. और advertising से क्या होगा? आप इम्पर्सनल है, आप किसी से पर्सनल कॉन्टेक्ट नहीं बना रहे हो कि मैं कस्टमर हूं. मान लो किसी शैम्पू कंपनी का, तो मेरा उससे पर्सनल रिलेशन है, तो मैं इसलिए उसका शैम्पू बाय कर रही हूं. ऐसा मेरा सच कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है. व्हाट माय रिलेशन इज, माय रिलेशन विद द कस्टमर इज इम्पर्सनल. कम्युनिकेशन होता है कि मैंने एड कर दिया, आपने आके देखा और ले लिया. मैं पर्सनल नहीं हूं आपके साथ, मैं आपके रिश्तेदार में नहीं आती हूँ, आपके भाई बहन नहीं हूँ, रिलेटिव नहीं हूँ, आपकी गार्जियन नहीं हूँ. बट आई हैव, व्हाई वी हैव कम, वी हैव कम टू डू दिस प्रमोशन. अब इसके मीडियम्स होते हैं थ्रू न्यूज पेपर, मैगजीन, टेलीविजन, रेडियो. ये क्या है? इन इन तरीकों से आप क्या कर रहे हैं? एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं. न्यूज पेपर में आते हैं आप, एड छपा हुआ देखेंगे, मैगजीन्स में देख लेते हैं आप, टीवी में मोस्ट कॉमन है, सबसे कॉमन है आपका टेलीविजन, सबसे कॉमन है आपका टेलीविजन. बहुत से एड्स आप टीवी टेलीविजन में देख लेते हैं, यूट्यूब में आ जाता है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल होते हैं. आप YouTube देखते हैं, वहां पे भी आपको बीच में ऐड आ जाते हैं, वहां पे भी आपको किसी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, मूवीज की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेडियोज में आपको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन. तो ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन टूल है. ओके, देन एडवर्टाइजिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एडवर्टाइजिंग क्या है? एडवर्टाइजिंग हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम कहीं भी है. I am sitting in Gujarat, I am sitting in North, I am sitting in South, I am sitting in East, or I am sitting in the West area of anywhere. किसी भी geographical area पर advertising पहुंच जाती है. अब ऐसा ही कि वो ad सिर्फ मैं ही देख रही हूँ देहरादून में बैठी हुई, दिल्ली का person वो ad नहीं देख रहा है. वो जो advertisement किया जा रहा है, that is being shown to every person. सबके लिए है वो product. क्यों? क्योंकि जो product यहाँ पे available है देहरादून पे, वो product आपको तमिलनाडु में भी मिलेगा. जो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे अवेलेबल है, वो प्रोडक्ट आपको अमेरिका पे भी मिलेगा. सो प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल ऑल ओवर द इंडिया. एडवर्टाइजिंग मीडियम है मास रीच के लिए. किस लिए हो रही एडवर्टाइजिंग? ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचा सके. दिस इज योर सब हेडिंग, मास रीच, एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस. ये कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है. किस लिए है? आपका कस्टमर के सेटिस्फेक्शन, रोल, इंपॉर्टेंस, वी कैन से मेरिट्स, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के लिए होता है आपका. एनहेंसिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस, मतलब आप प्रोस्पेक्टिव से बायर्स एज दे फील मोर कंफर्टेबल एंड एश्योर्ड अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी. जब उनको लगेगा कि वो प्रोडक्ट सही है तो ही वो खरीदने आएंगे. अगर उनको लगेगा वो बहुत खराब है तो क्यों लेने आएंगे? वो प्रोडक्ट सही है तभी तो बाय करेंगे, गलत है तो क्यों बाय करेंगे, है ना? तो वाई, ये कॉन्फिडेंस बनाएगा आपकी कंपनी का कस्टमर से बाय सेलिंग द गुड प्रोडक्ट. फिर वो बार बार खरीदने आएगा आप ही की कंपनी के लेने. नहीं, मेरा तो उसी का सूट आता. फोन, कईयों को आप एग्जांपल देती हूं मैं, फोन देखते हैं आप, फोन में आपने देखा होगा मैं तो सैमसंग का यूज कर रहा हूं और मैं शुरू से यूज कर रहा हूं, मुझे सैमसंग की सूट आता अच्छा लगता है. क्यों? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस उस कंपनी के ऊपर है. मैं तो वीवो का ही यूज कर रही हूँ, मुझे उसका ही पसंद आता है. मैं तो आईफोन यूज कर रहा है, मुझे वही पसंद आता है. आपका कॉन्फिडेंस बन जाता है. मेरा सैमसंग तो मैं कभी यूज किया, हैंग हो जाता है. कोई चीज आपके हाथ पे आती है वो खराब हो जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स बाय नहीं करते हैं. यू मस्ट हैव सीन, आपने कई लोगों के मुंह से सुना होगा. तो वो क्या है? वो कॉन्फिडेंस बनाता है आपकी कंपनी के ऊपर अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हैं. सिमिलरली एक्सप्रेसिवनेस, अब यहां पे हम बात करेंगे एक्सप्रेसिवनेस की. अब एक्सप्रेसिवनेस मतलब एक मास रीच की हो गई, एक हमने सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस की बात कर ली, अब हम बात करेंगे एक्सप्रेसिवनेस. अब एक्सप्रेसिवनेस क्या है? किस तरीके से आप एडवर्टाइजिंग में बता रहे हो चीजों को? कंप्यूटर डिजाइन, ग्राफिक के थ्रू, डेवलपमेंट, मीडियम, किस तरीके से, क्या एफर्ट्स आपने लिया, क्या प्रोडक्ट है, क्या मैसेज. जितना आप एक्सप्रेस करोगे, इफेक्टिव बनाओगे अपने, the way, the much you make it effective, उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट होगा और बाय करेगा, खरीदेगा.
What he will buy your product. आपको क्या बताना है? You have to make it effective. ठीक है, आपने उसको क्या बनाना है? Effective बताना है अपने product को, उसकी चीजें बतानी है. Then economy. इकोनॉमी मोड में कैसा है आपका? हाउ योर प्रोडक्ट इज फॉर द मोड ऑफ इकोनॉमी, हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. कैसे है आपका प्रोडक्ट हेल्पफुल डेवलपमेंट में? एडवर्टाइजिंग क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल तक रीच करना है. मैंने क्या बोला, नॉर्थ में बैठा पर्सन, साउथ में बैठा पर्सन, सब तक वो चीजें प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है. हर साइड, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह वो प्रोडक्ट अवेलेबल किया जा रहा है. सो यानी कि ये वाइड रीच के लिए किया जा रहा है. इकोनॉमी में किस लिए किया जा रहा है? ताकि सब तक पहुंचे, वाइड रीच हो सके. किसकी? प्रोडक्ट की. इसलिए क्या जा रही है? आपकी एडवर्टाइजिंग लिंक हो सके, आप लिंक कर सके हर यूनिट को अपनी, हर जगह से आप लिंक कर सको, इसलिए किया जा रहा है. देन व्हाट इज दे आर सेइंग? दे आर सेइंग इट इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. आपके प्रोडक्ट के डिमांड को बढ़ाने में एडवर्टाइजिंग मदद करती है. प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी. आज आपने नया नया लॉन्च किया, किसी को क्या पता कौन सा प्रोडक्ट है? कोई डव यूज करे तो डव यूज करेगा. नया नया प्रोडक्ट आया, फॉर एग्जाम्पल मेंस के डिओ आए, मेंस के वो आए, सोप्स आए. पहले कौन यूज करता था? हर कोई सेम सोप यूज करता था. जब वो न्यू लॉन्च हुई, आपने एड देखा तो सबने खरीदना शुरू करा. कोल्ड ड्रिंक लीजिए, स्मूदी अब बिकने लगी, पहले तो नहीं बिकती थी, लेकिन एड देखा तो सबने बाय करना शुरू कर दिया. सो ये क्या है? ये आपके डिमांड के लिए इफेक्टिव है. इट इज मेकिंग योर डिमांड वेरी वेरी इफेक्टिव, बहुत मजबूत बनाता है आपकी डिमांड को, ताकि कस्टमर्स आकर खरीदें आपके प्रोडक्ट को. फिर इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर, आपके मार्केट शेयर को इंक्रीज करने में मदद कर रहा है. मार्केट शेयर से मतलब बाजार में आपकी बुनियाद बना रहा है, मार्केट शेयर बना रहा है. आज आप 100 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कल को आपकी वैल्यू बढ़ गई, आप 200 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, फिर 500 बेच रहे हैं, तो आपकी क्या हो गया बाजार में, आप लोगों के लिए क्या हो गया, एक हेल्पफुल प्रोडक्ट के तरीके से जाने गए. Then generating more employment. अब जितना ज्यादा आप लॉन्च कर रहे हैं, पहले एक कंपनी थी फिर दूसरी कंपनी, या आपने अपनी यूनिट बढ़ा दी 100 से 200 कर दी, तो आप अकेले तो नहीं कर पाओगे, लेबर चाहिए. लेबर चाहिए तो यानी कि क्या कर रहे हैं आप? एम्प्लॉयमेंट होगा आपका. एडवर्टाइजिंग में भी एम्प्लॉयमेंट होगा. जितने ज्यादा लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, उतनी ज्यादा कंपनी को भी एम्प्लॉयमेंट के लिए चाहिए, एड बनाने के लिए. फिर नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो जाती है. एक कंपनी कैसा प्रोडक्ट दे रही है, जैसे मैंने आपको शैम्पू का दिया, शैम्पू में हेयर फॉल का लगाता है, तो आपकी कैसी कंडीशन आप वो आय करोगे, तो आपको उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, भाई मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, मेरे को डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, मेरे ड्राई हेयर है, मेरे रफ हेयर है, क्या है, जो भी मतलब आपकी हेयर प्रॉब्लम होगी, स्कैल्प प्रॉब्लम होगी, इसके अकॉर्डिंगली आप बाय करेंगे, तो उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देगा. नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा. आपकी जो एडवर्टाइजिंग है, आपको पता है आपने क्या खरीदना है, आप गलत चीज क्यों खरीदोगे, अपने हिसाब से आप पैसा दे ले रहे हो ना. सो कोई एक्सप्लॉयटेशन, कोई बर्बादी नहीं होती. देन कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग. नाउ कमिंग to the objective. Let me wait. Let me rub this first. Now coming to the objections to advertising. अब advertising में क्या क्या objections against the advertising. True advertising as though advertising is one of the most frequent used medium of promotion of the goods and services, but it attracts a lot of criticism objections against it, which are as follows. अब हमें पता है एडवर्टाइजिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन कई बार ये एक हमारे लिए ऑब्जेक्शन का मुद्दा बन जाता है. कैसे बन जाता है? ये माना जाता है कि ये क्या है, सोशल वेस्ट है, क्योंकि लोग क्या मानते हैं इसको, सोशल वेस्ट मानते हैं.
कि कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई हमारी, हमें ऐड करना पड़ेगा, हमारी कॉस्ट बढ़ गई। द प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा था, ऐड करना पड़ गया, ऐड कंपनी ने ज्यादा पैसे ले लिए, हमारे हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट 110 करनी पड़ गई, कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई। और क्या ऑब्जेक्शन हो सकती हैं? टेक ब्रिंग दोस टू माइंड। जो एडवर्टाइजिंग यूजफुल है, इट इंक्रीजेस द रीच एंड ब्रिंग्स पे यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन एंड एज टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। आपका जो ये एडवर्टाइजिंग है आपकी इकोनॉमी में क्या ला रहा है? ग्रोथ ला रहा है। इट इज ब्रिंगिंग ग्रोथ इन योर इकोनॉमी। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये कॉस्ट में एड कर रहा है, इंक्रीजिंग, इंक्रीज प्रोडक्ट का प्राइस, उसकी कॉस्ट क्या कर रहा है? एड कर रहा है, कॉस्ट को बढ़ा रहा है। आपको एड कंपनी को देना पड़ेगा, कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो ओपोनेंट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग आर्ग्यू दैट एडवर्टाइजिंग अननेसेसरली एड्स अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। अब क्योंकि आप कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो वो आपको क्यों, आपको उसका एड बिना एड बिना कॉस्ट एड के क्यों प्रोडक्ट देगी? वो प्रोडक्ट भी तो आपसे निकालेगी जब आप प्रोडक्ट पे करोगे। मैंने क्या बोला, 100 रुपए का वो प्रोडक्ट बिक रहा था, अब वो प्रोडक्ट 110 का हो गया क्योंकि एड की एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट उस प्रोडक्ट में उसमें ऐड हो गई। पर यूनिट पर वो ऐड की जाएगी तब कंपनी उसको वसूलेगी आपकी ऐड कॉस्ट को। हर यूनिट में वो कॉस्ट ऐड की जाएगी। 1 रुपया अगर उसका लेबर का ऐड हो रहा है तो वो 1 रुपया ऐड करेगी आपकी लेबर का। सो जैसे कि एन एडवर्टाइजमेंट ऑन टीवी फॉर अ फ्यू सेकेंड कॉस्ट द मार्केटर्स सेवरल लैक्स। और ये मैं तो यहाँ पे 10 रुपए एग्जाम्पल दे रही हूँ, यहाँ पे 10 रुपए का नहीं होता है, वो जो आपकी कॉस्ट जाती है कॉस्ट इट गोज इन लैक्स, वो लैक्स में जाती है आपकी, ठीक है। सो ट्रू एडवर्टाइजमेंट जो आपके कॉस्ट का होगा इंक्रीज करेगी डिमांड को, पोटेंशियल बायर्स को, फीचर्स को परसुएड करने में, डिमांड हायर पोटेंशियल ब्रिंग्स इकोनॉमी इन द सेल। द पर यूनिट प्राइस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम्स डाउन एज द टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय द लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स। मैंने क्या बोला, जितना भी आपकी कॉस्ट होगी वो सारे यूनिट्स से क्या कर देते हैं, जितनी भी यूनिट्स है उससे डिवाइड कर देते हैं और तब आप क्या निकालते हैं, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालते हैं। पूरा बनाने में आपका 50 लाख खर्च हुआ, कितनी यूनिट्स बनी? 50,000। तो क्या कॉस्ट हो गई उस प्रोडक्ट की? तो दिस वे यू कैलकुलेट योर प्रोडक्ट प्राइसेस पर यूनिट के हिसाब से निकालेंगे। देन कंफ्यूजन टू कस्टमर्स कैसे हो रहा है? द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट शोन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट हैविंग डिफरेंट ब्रांड्स कंफ्यूज द कस्टमर्स एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक चॉइस। और ये जो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं ये दिखाए जा रहे हैं सिंगल प्रोडक्ट के लिए, ताकि बहुत सारे जो डिफरेंट ब्रांड है वो कंफ्यूज कर रहे हैं कस्टमर्स को और बहुत ही डिफिकल्ट है हमारे लिए कोई चॉइस करने के लिए। सो नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो एक सिंगल प्रोडक्ट के बारे में दिखाए जा रहे हैं, कई बार क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं आप ब्रांड में। जैसे आपको बहुत सारे टाइप्स के क्या दिखाए जा रहे हैं, एड्स दिखाए जा रहे हैं, देन यू गेट कंफ्यूज्ड कि कौन सा मुझे बाय करना है और कौन सा मुझे बाय नहीं करना है। तो उस कंफ्यूजन के लिए आपका क्या है, ये एड है। व्हाट्स इट इज द एड दे हैव मेड किस लिए, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्लैरिटी हो। तो लेकिन फिर भी किसी सिंगल प्रोडक्ट में कई बार क्या होता है कस्टमर कंफ्यूज हो जाता है। ये क्रिटिसिज्म माना गया है प्रोडक्ट के लिए क्योंकि कंफ्यूज कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी मे नोट सिमिलर क्लेम्स ऑफ राइटनेस और स्ट्रेन रिमूवर एबिलिटीज इन कंप्यूटिंग ब्रांड्स ऑफ डिजिटल डिटर्जेंट पाउडर क्लेमिंग ऑफ व्हाइटनेस टूथ फिन फ्रेशनेस। अब कंफ्यूज करेगा कस्टमर को, जैसे एग्जाम्पल दीजिए इसमें, जैसे कि मान लीजिए टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट खरीद रहे हैं आप लोग, क्या बाय कर रहे हैं आप यहाँ पर? टूथपेस्ट बाय कर रहे हैं। अब जब आप टूथपेस्ट बाय करने के लिए मार्केट में गए तो कितने ब्रांड है, कोलगेट ले लो, दंतकांति ले लो, ये ले लो, वीको टर्मरिक का टूथपेस्ट ले लो, वट एवर यू वॉन्ट टू बाय, यू बाय दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांड्स ऑफ प्रोडक्ट। अब तो कोलगेट में सॉल्ट है ना, अब आपको आपका आपके फैमिली में कोई कहेगा मुझे रेड वाला टूथपेस्ट चाहिए तो वो कस्टमर को कंफ्यूज कर रहा है, कैसे दांत है, क्या करना है, सेंसोडाइन लेना है, क्या लेना है, कस्टमर क्या हो रहा है उसकी टाइप से कंफ्यूज हो जाता है कई बार। सो ये कई बार कंफ्यूजन भी बन जाता है क्योंकि उसको चॉइस करने में दिक्कत हो जाती है, राइट। अब आपके ऑयलिंग का मैंने बोला, शैम्पूस का बोला, आपने हेयरफॉल शैम्पू यूज किया पैंटीन का लेकिन फिर भी हो रहा है, फिर आप डब का हेयरफॉल यूज करोगे। तो ब्रांडिंग से कोई इन चीजों से कई बार कस्टमर क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि कंपनी टू कंपनी आपके जो वो इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, जो प्रोडक्ट में वो केमिकल्स डाल रहे हैं उससे फर्क पड़ेगा आपकी
हेयर फॉल पर, ठीक है, आपके ऊपर, तो वही चीज हो जाती है, कंफ्यूजन करता है ये बायर में। कई बार आपको प्राइस में कंफ्यूजन होगा, कई बार स्टाइल में कंफ्यूजन होगा, कई बार आपको साइज में। आर्ग्यू दैट वी ऑल रैशनल ह्यूमन बींग्स वो मेक आर डिसीजन फॉर द प्रोडक्ट ऑन फैक्टर्स ऑफ, क्योंकि अब ये क्या बोल रहे हैं कि एक ह्यूमन हम हैं, हम रैशनल होते हैं। व्हेन वी आर रैशनल, रैशनल का मतलब होता है हम कोई चीज ना तोड़ के खरीदते हैं। मेरी जेब में अगर 100 रुपए है ना, तो मुझे पता है मैं 100 रुपए के ही प्रोडक्ट लेकर आ सकती हूँ, मैं 200 का नहीं ला सकती हूँ। मैं रैशनल लूंगी, मैं उससे कम का लेने की सोचूंगी, अपने 10 रुपए ही बचाने की सोचूंगी, लेकिन मैं ज्यादा का नहीं ला सकती हूँ, बिकॉज आई हैव 200 रुपीज टू स्पेंड, तो दैट मीन्स आई एम बीइंग रैशनल। जब आप ना तोड़कर खरीदना शुरू करते हैं तो आप रैशनल बन जाते, तो रैशनल बनेंगे तो आप कलर में, साइज में, और आप उसके टेस्ट में, बहुत सी चीजों में आपको फर्क पड़ जाएगा। यू आर कंफ्यूज इन द स्टाइल, साइज, प्राइस में भी कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इन द प्राइस इज ऑल्सो। सो ये क्या है आपका, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एनकरेजिंग सेल ऑफ इंटीरियर प्रोडक्ट्स। इन मेनी केसेस सम प्रोडक्ट्स फीचर्स आर ओवर द ओवर एम्फोसाइज्ड। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है, कई प्रोडक्ट्स के फीचर्स ओवर एम्फोसाइज, हद से ज्यादा बता दिए जाते हैं, लेकिन वो होते ही नहीं है, उसमें वो इतनी ज्यादा क्वालिटीज नहीं होती इस प्रोडक्ट के अंदर। कोई एग्जांपल देना चाहेंगे आप इस पर? कोई भी इंटीरियर प्रोडक्ट ले लो, उसके बारे में बहुत बेहतरीन, मान लो आपको एक, आपको टीवी में देखते हो, कोई टीवी शॉपिंग आ रहा है, एड वाला आ रहा है, फर्नीचर का आ रहा है, मान लो एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर का यहाँ पे, ठीक है, आपने देखा यार इतना सुंदर इंटीरियर है, और आप गए तो आपको दिखा इतना बड़ा, और जब खरीदने गए टीवी में, देखा आपने बहुत बड़ा, वहां पे शॉप पे खरीदने गए तो छोटा, तो आप क्या हो जाते हैं, वो इंटीरियर प्रोडक्ट्स आपको सेल करने के लिए दिया जाता है, लेकिन वो ओवर एम्फसाइज कर देते हैं। जैसे कई बार आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं तो आपको वो कैमरे की लाइटिंग से बड़ा सुंदर दिखता है, और जब आपके पास वो आता है तो आपको अच्छा नहीं लगता, फिर आप रिटर्न करते हैं उसको, तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि उन्होंने ओवर एम्फसाइज कर दिया उसको। सो ये चीजें हो जाती हैं आपकी, जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट ऑफ बैड टेस्ट। यहां पे एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है बैड टेस्ट का। इवेंट्स, मॉडल्स डिग्रेड द ह्यूमन डिग्निटी। अब यहां पे जो इवेंट्स है, जो मॉडल है, ये ह्यूमन डिग्निटी को क्या कर रहे हैं, डिग्निटी को डिग्रेड कर रहे हैं, दे आर डिग्रेडिंग द ह्यूमन डिग्निटी। फॉर एग्जाम्पल कैसे डिग्रेड कर रहे हैं, आपकी डिग्निटी को डिग्रेड कर रहे हैं कुछ, अगर बैड टेस्ट है तो आप हमेशा कोई प्रोडक्ट लेना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू अर्न 1 लाख पर मंथ, आप अपने घर में कोई 50 रुपए वाला पीस लाकर सजाना पसंद करेंगे जब आपकी इतनी अच्छी कमाई है। फॉर एग्जाम्पल यू अर्न 5 लाख रुपीज पर मंथ, इंसान अपनी अर्निंग के हिसाब से अपने इंटीरियर डेकोरेशन करता है, अपने घर लगता है, अपने डेकोरेशन अपने हिसाब से रखता है, क्योंकि उसकी अर्निंग उस हिसाब से है। जो पर्सन 20,000 कमा रहा है, 10,000 कमा रहा है, वो भले ही 20 रुपए वाली चीज, 50 रुपए वाली चीज लाकर अपने घर पे सजा देगा, एक पॉट ला के रख देगा उसमें फ्लावर्स लगाकर, लेकिन वही चीज अगर वही 5 लाख जो पर्सन अर्न कर रहा है वो नहीं रखेगा। He will buy a good quality product and then he'll put into his house. So ये क्या होता है, आपका bad taste पे depend करेगा, आपकी dignity, मतलब dignity से मतलब क्या है यहाँ पर, dignity से मतलब आप कितना कमा पा रहे हैं, कितनी जो आपकी earnings है उससे मतलब है यहाँ पे, इनका earnings से मतलब है आपकी। फिर हम बात करते हैं undermine social values and promotes materialism. It includes the customers to buy more एंड मोर प्रोडक्ट। ये कस्टमर को क्या कहता है कि हाँ आओ और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट खरीदो, बिकॉज ऑफ एम्फोसाइज ऑन मटेरियलिज्म, क्योंकि मटेरियल अच्छा बताएंगे, सोशल रिलेशनशिप बताएंगे डिस्टॉर्टेड विच ब्रिंग सोशल और डिसऑर्डर इन द चेंज इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। एडवर्टाइजिंग इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग। एडवर्टाइजिंग क्या माना गया है, मार्केटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना गया है। It has a form in efficient in effectively communicating with its target market, increasing the sale and thereby reducing the per unit cost of production. और ये जो आपकी cost of production है उसको भी reduce करने में help कर रहा है।
not as social waste, rather than it adds values to the social causes by giving a boost to production and generating employment. यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपकी जो आपकी सोशल वैल्यूज है, जो आप मटेरियलिज्म के लिए बनाए गए हैं, अबाउट न्यू प्रोडक्ट फील डिससेटिस्फाइड. आपको नया प्रोडक्ट जब बताया जा रहा है तो आप बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड होंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या लेना है, क्या रिड्यूशन है, क्या सेल है, क्या है. आप थोड़ा सोचेंगे, सब एडवर्टाइजमेंट नई स्टाइल दिखाएंगे लेकिन उनका अप्रूवल नहीं है. अब इसे एग्जाम्पल देती हूँ. एक एड आया था, एक एड के एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने, न्यूज में आ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में, किसमें था, वन पेंट, एक पेंट थी दैट वॉज ऑफ रुपीज 50,000. ठीक है, एक जीन्स थी 50,000 की, और इतनी महंगी क्यों थी, क्योंकि उसपे वो लाइट ब्लू कलर की थी और यहाँ पे ग्रीन कलर का स्ट्रेन था उस पर, स्ट्रेन दाग, ग्रीन कलर का स्टेन था उस पर, ब्रांडेड था वो, लेकिन वो 50,000 की थी. बाय why because of that stain in that pen, इसलिए वो 50,000 की बिक रही थी. तो कई बार क्या हो जाता है, कोई ऐसी चीज है, कोई एडवर्टाइजमेंट जो आपको किया गया है, वो क्या बना रहा है, अब उसने ऐसा एडवर्टाइज किया तो उसमें इंपॉर्टेंट बना दिया, यार ऐसा है, फ्रेजर की बिक रही है, चलो खरीदूंगा, या ऐसा कुछ आपके माइंड में आ जाएगा. तो वो क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है मार्केटिंग के लिए, जो एक इफेक्टिवली हो जाता है आपको मार्केट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए. ठीक है, ये समझ में आया आपको कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है.